हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगी यहाँ से अर्सेनल और वोल्वरहैम्पटन वंडर्स के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। उससे पहले इस मैच की जो 10 ग्रैंड लीग की टीम रहेंगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट में डाला है और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो गाइज अर्सेनल प्रीमियर लीग में फिलहाल के टाइम पर 6th पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें वोल्वरहैम्पटन वंडर्स फिलहाल के टाइम पर 7th पोजीशन पर है। तो गाइज इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है वो आपको सेम ही देखने को मिलती होगी। लेकिन गाइज बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइज मैं फिलहाल के लिए अर्सेनल को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम का होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड मैच खेलती है या तो मैच को विन करती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं इस टीम को फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइज हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नज़र डालते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट के 5 हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें से अर्सेनल ने इस टीम के सामने 2 मैच विन किए और 1 मैच ड्रॉ भी खेला और 2 मैच लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1 ही गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब अर्सेनल इस टीम के सामने खेलती है तो प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी तो इस टीम के सामने पर मैच में 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। कभी कभी इस टीम के सामने पर मैच में 1 गोल कंसीड करती है, वरना कभी कभार तो इस टीम के सामने गोल कंसीड तक नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो अटैकिंग वाइज अच्छा है, लेकिन डिफेंस भी अच्छा ही देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच अर्सेनल इस टीम के सामने खेली वो मैच 1-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज उस मैच में अर्सेनल ने 1 गोल करा, लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और हुए और दोनों टीमों ने उस मैच में गोल किए भी, लेकिन मैच को वोल्वरहैम्पटन 2-1 से विन कर गई। लेकिन उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और खेल गए, उससे पिछले मुकाबले अर्सेनल ने 2-0 से फिर इस टीम के सामने विन किया और 1 मैच टीम के सामने अटैकिंग वाइज ड्रॉ भी खेला है। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो जब भी अर्सेनल इस टीम के सामने खेले प्रत्येक मैच में गोल किया भी है, लेकिन डिफेंस से पिछले 2 मैच में ही, मतलब पिछले 3 मैच में ही 1-1 गोल कंसीड किया है। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो हेड टू हेड अकॉर्डिंग दोनों टीमों का इक्वली रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन गाइस हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है एक बार हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस करंटली अर्सेनल ने 6 मैच खेले, जिनमें से 2 मैच विन किए, 2 मैच ड्रॉ खेले और 2 ही मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 0.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 0.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कर पाती है, लेकिन डिफेंस ये टीम प्रत्येक मैच में गोल कंसीड नहीं करती, बल्कि प्रत्येक 2 या 3 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज एवरेज, लेकिन डिफेंस वाइज काफ़ी शानदार है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच अर्सेनल ब्रेंटफोर्ड के सामने 2-1 से मैच को विन कर आ रही है, और वो मैच इस टीम ने अपने होम में खेला, और आज भी ये टीम अपने होम में ही खेलने वाली मैच, उस मैच को इस टीम ने अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड कर दिया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले वोल्वरहैम्पटन के सामने खेली और ये टीम 1-0 से मैच को विन कर गई, और उससे पिछले मुकाबले इस टीम ने डिफेंसिव वाइज बर्नल के सामने मतलब ड्रॉ खेला, और उससे पिछले मुकाबले लिवरपूल के सामने टीम 2-0 से लॉस कर गई। एक मैच इस टीम ने लिवरपूल के सामने डिफेंसिव वाइज ड्रॉ भी खेला है, और एक मैच इस टीम ने नॉटिंगम शायर के सामने 1-0 से लॉस भी किया है। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली देखा जाए तो इस टीम का काफ़ी शानदार रहा है, लेकिन उससे पिछला अगर देखा जाए तो एक ही मैच को हटा दिया जाए तो लिवरपूल के सामने इस टीम ने परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन किया, लेकिन उससे पिछले देखा जाए तो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन गाइज अब बात करते हैं वोल्वरहैम्पटन का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है एक बार हम उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइज वोल्वरहैम्पटन करंटली 6 मैच खेल चुके, जिनमें से 4 मैच विन किए, 2 मैच ड्रॉ खेले, मतलब 2 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम फिलहाल टाइम पर ऑन एंड एवरेज पर मैच में 1 और कभी कभी 2 गोल पर मैच भी कर देती है, लेकिन डिफेंस ये टीम प्रत्येक मैच गोल कंसीड नहीं करती, बल्कि बेहतर टीम के सामने ही पर मैच में 1 गोल कंसीड करती है, वरना ये टीम भी जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच वोल्वरहैम्पटन लेस्टर सिटी के सामने 2-1 से मैच को विन कर आ रही है। अटैकिंग वाइज उस मैच में इस टीम ने 2 गोल करा, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले टोटनहम हॉटस्पर के सामने टीम 2-0 से मैच को विन कर आ रही है, और टोटनहम के होम ग्राउंड में ये टीम मैच को विन कर गई। तो परफॉर्मेंस इस टीम का भी काफी शानदार रहा है रिसेंटली अटैक से लेकर डिफेंस तक।
लेकिन उससे पिछले दो मैच इस टीम ने खेले, दोनों मैच नॉर्विच सिटी और अर्सेनल के सामने 1-0 से मैच को लॉस भी किया, और उससे पिछले दो मैच इस टीम ने और खेले ब्रेंटफोर्ड और एक मैच खेला साउथहैम्पटन के सामने, और दोनों टीम एक एवरेज टीम है। उन दोनों टीमों के सामने इस टीम ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो वोल्वरहैम्पटन का भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है करंट फॉर्म का अकॉर्डिंग। तो फाइनल गाइज अब बात आती है इस मैच का अभी स्कोर रेन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीम को हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीम को रिसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर करें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइज पॉइंट टेबल का अकॉर्डिंग तो दोनों टीमों को जो परफॉर्मेंस रहा है इक्वली रहा है, पॉइंट टेबल में 6th और 7th पोजीशन है। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों टीमों ने दो दो मैच विन किए, एक मैच ड्रॉ खेला और दो दो मैच इन दोनों टीमों ने लॉस किए, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर भी इक्वल ही देखने को मिलता है। लेकिन रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो अर्सेनल का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डाउन है अटैकिंग वाइज, लेकिन डिफेंस अच्छा है। और वोल्वर का अगर देखा जाए तो ये अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस अच्छा कर लेते लेकिन डिफेंस से भी जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। तो फाइनली गाइज अब बात आती है अब इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मैं मान के चला हूँ कि ये मैच अर्सेनल अपने होम में खेलेगी और होम में इसका परफॉर्मेंस रहता है जो काफी बेहतरीन रहता है डिफेंसिव वाइज, और अटैकिंग वाइज तो ये टीम पर मैच में गोल कर ही देती है। तो कहीं ना कहीं आपको इस मैच में अर्सेनल की ओर से एक गोल देखने को मिलेगा और शायद वोल्वरहैम्पटन इस मैच में गोल ना कर पाए। तो इसलिए मेरा फिर से इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन 1-0 है, और 1-0 को प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपने ड्रीम 11 टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितने असिस्ट निकाले। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे अर्सेनल के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे वोल्वरहैम्पटन के जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले। तो नज़र डालते हैं अर्सेनल के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो रहा आपने अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफी कम समय में आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए इस YouTube चैनल पर कंटिन्यू लाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस मैच जो फाइनल 10 ग्रैंड लीग की टीम रहेंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं सीधे मुद्दे के, प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट निकाले। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हम अर्सेनल के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज अर्सेनल टीम तरफ फिलहाल टाइम पे जो हाईएस्ट गोल टेकर इमिल स्मिथ रो, जिसने इस टीम की तरफ से 9 गोल निकाले हैं, और सिलेक्शन परसेंटेज वेरी लेस ड्रीम 11 पर आप अपनी टीम में एज ए प्लेयर के तौर पर प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। बुकाय शॉ का जो मतलब फिलहाल टाइम पर इसका जो परफॉर्मेंस है इस टीम के लिए वो काफ़ी शानदार है, प्रत्येक दो मैच में गोल निकाल ही लेता है। और मार्टिन ओडेगार्ड जो कि ऐसा प्लेयर जो कि डिफेंसिव पॉइंट तो प्लस देता ही है और अटैकिंग पोजिशन पर खेलता है, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। गैब्रियल मार्टिनेली एक ऐसा प्लेयर है जो डिफेंसिव पॉइंट देता प्लस में गोल पोटेंशियल काफी हाई रखता है। तो इन चार को तो मैं अपनी टीम में सजेस्ट करने के लिए बिल्कुल बोलूंगा, तो टीम में ट्राई करके जरूर चलना। ओबामेंग नहीं खेलेगा क्योंकि ये दूसरी टीम को साइन कर चुका है। गैब्रियल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आपको डिफेंडर देखने को मिलेगा। लैकाजेट इस टीम तरह से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी का रहेगा, तो इनको भी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से थॉमस पार्टली और यहाँ से टियरनी तो है ही, इनको टीम में ट्राई करके चलेंगे ओके। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने उनको टिक कर दिया है, उन्हें टीम में ट्राई करके चल लेना। बात आते हैं अभी इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं इन प्लेयर्स के लिए, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइस असिस्ट मामले में अगर देखा जाए तो लैकाजेट जो कि इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर, फर्स्ट हाईएस्ट असिस्ट टेकर और फोर्थ या फिफ्थ हाईएस्ट गोल टेकर, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। बुकायो शॉ एक इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्टिन ओडेगार्ड फिर से वही प्लेयर आपके सामने बार बार देखने को मिल रहा है, तो इन प्लेयर को अपनी टीम में जरूर पिक करके चल लेना। बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का आपके सामने रिकॉर्ड भी है, आप चाहते सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ओके। तो अब बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं वोल्वरहैम्पटन के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस वोल्वरहैम्पटन टीम तरफ सिर्फ आपको गिने चुने ही प्लेयर देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले नाम आएगा जिमी नेज, जिसने इस टीम की तरफ से 5 गोल निकाले, एक गोल इसने पेनल्टी किया, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, फर्स्ट चॉइस पेनल्टी करेगा, फर्स्ट हाइस्ट गोल टेकर। ही चैन हवांग ये ग्रैंड लीग में टीम में ट्राई करना, वरना ड्रॉप ही करना ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं। अगर टीम में ट्राई भी करो ना तो सीधे टीम का कैप्टन ही बनाना ओके। रूबेन नवेस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, डिफेंसिव पॉइंट भी देगा, इस टीम की तरफ से एक बेस्ट वैल्यूबल प्लेयर है। और यहाँ से मोतिन्हो जो कि डिफेंसिव प्लस अटैकिंग पोजिशन खेलता है, रोमन सेस जो कि इंटरसेप्शन और की पासेस का काफी अच्छा पॉइंट निकालता है, तो इसे डिफेंडर में टीम में ट्राई करके चलना। कॉनर कोडी जो कि मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, ये थोड़ा सा हेड स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। बाकी यहाँ जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है मैं उनको फिर से टिक कर रहा हूँ, और उन्हें आप अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना, तो इन प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करना ओके। तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर।
तो गाइज असिस्ट मामले में अगर देखा जाए तो रोल जिमनेज जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट, डैनियल पोडेंस जो कि 2 गोल 2 असिस्ट निकाल चुका, यह आपको अटैकिंग देखने को मिलेगा तो टीम में ट्राई कर सकते हो लेकिन ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ से डैन डॉकर जो कि डिफेंसिव पॉइंट देगा, इतना ज़्यादा देगा नहीं लेकिन मैं रूबेन नवाज को इससे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। ओके तो यहाँ से मोतिन है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। लेकिन समेडो एक अटैकिंग पोजिशन वाला प्लेयर है, जब भी खेलता है तो परफॉर्मेंस अच्छा करता है लेकिन गोल पोटेंशियल थोड़ा सा कम है। लेकिन जब भी एक देखना एक दो ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो जब आप वॉल्वरहैम्पटन को फेवर कर रहे हो। ओके तो उस कंडीशन में टीम में ट्राई कर सकते हो। अब बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने रखी है 1-0 और 1-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे समोल लीग टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे अब नजर डालते हैं इस मैच के ड्रीम इलेवन की टीम पर। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्यों क्योंकि आपके ना वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए नज़र डालते हैं इस मैच की क्या रहेगी हमारे ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइस गोलकीपर में आपके सामने दो चॉइस देखने को मिलेंगे, एक राम यहाँ से राम है एक यहाँ से जैसा है, दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है कि अर्सेनल को गोलकीपर टीम में ट्राई करना चाहिए, क्यों क्योंकि अटैकिंग पोजीशन फिलहाल के टाइम पर वॉल्वरहैम्पटन की काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि राम को ही टीम में ट्राई करना। ओके गैब्रियल के इंपॉर्टेंट प्लेयर है, गोल पोटेंशियल है और असिस्ट पोटेंशियल नहीं, ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट देता है। ओके यहाँ से टियरनी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, असिस्ट प्रोवाइड कर चुका, बेन वाइट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। तो मैं यहाँ से तीनों अर्सेनल के गोल मतलब डिफेंडर को पिक करूँगा, टॉमी यासी को पिक कर चलूँगा। लेकिन अब आपके सामने चॉइस रहेगी चार में से किसी एक को ढूंढने की। अब यहाँ समेडो को अटैकिंग वाइज ले सकते हो, सेस को ले सकते हो, किलमैन को रख सकते हो, कोडी को रख सकते हो, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा वो यहाँ से आपके सामने सेस देखने मिलेगा। तो इनको ही मैं अपनी टीम में ट्राई करके चलाऊँ, बाकी खेलेंगे लेकिन इनका ज़्यादा डिफेंसिव नंबर भी नहीं रहेगा तो इन्हें इसलिए मैं ड्रॉप ही करके चलाऊँगा। ओके तो बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो बात करें सबसे पहले मिडफील्ड में, तो यहाँ से बुकायो साका है, इमिल स्मिथ रो है, मार्टिन ओडेगार्ड है। तो इन दो को तो मैं बिल्कुल भी आपके लिए ड्रॉप करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अब मार्टिन ओडेगार्ड को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो लेकिन आपकी चॉइस रहेगी। ओके मोतिन हो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रोबिन नवास एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इसलिए मैं इनको टीम में ट्राई कर चलूँ। जाका एक ऐसा प्लेयर जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता, बाकी का मतलब बाकी जितने और प्लेयर्स हैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर निकोलस पेपे खेले तो इस टीम की तरफ से शायद फर्स्ट चॉइस पेनल्टी के तौर पर खेलते नजर आ सकता है, बाकी खेलने का चांस थोड़ा सा डाउन है। अब यहाँ से आपके सामने अच्छे अच्छे चॉइस मिलेंगे। रोबिन जिमनेज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्यों क्योंकि इस टीम की तरफ फर्स्ट हाइस्ट गोल टेकर है। अब आपके सामने गैब्रियल और लकाजेट है, इन दो को मैं वीकली इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन अर्सेनल की जो डिफेंस अटैक है वो थोड़ा सा डाउन है। तो अटैकिंग वाइज अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया तो ये प्लेयर ज़्यादा पॉइंट भी नहीं देंगे। उससे ज़्यादा सब अगर देखा जाए तो डिफेंसिव पॉइंट यहाँ से आपको गैब्रियल मार्टिनेली देता नजर आ सकता है। ओके तो उस कंडीशन में ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये टीम है। लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अभी के लिए टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो यहाँ से ऑब्वियस पिक बुकायो साका रहेगा, वाइस कैप्टन स्मिथ रो रहेगा। आप चाहे तो इंटरचेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं हमें तो डिफेंडर में ही टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन देना, तो यहाँ से आपके सामने जो फर्स्ट चॉइस रहेगी ना गैब्रियल रहेगी, वाइस कैप्टन की यहाँ से टियरनी रहेगी, ऐसे दे सकते हो। लेकिन मैं अभी के लिए मतलब एज यूनिवर्सल कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चला, तो इस तरह की मेरी टीम दिखाई देगी अभी के लिए। लेकिन ये टीम बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। इस मैच की जो 10 ग्रैंड लीग की टीम रहेंगी ना वो तो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कमेंट में डाला है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सर्च करके बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत सारे फैंक चैनल बन चुके हैं। ओके उन सबसे बचना है आपको। ओके तो यहाँ से आपके सामने जो अदर चॉइस है रोल जिमनेज को वाइस कैप्टन कैप्टन बना सकते हो। अगर जब आपको लगे कि नहीं वॉल्वरहैम्पटन इस मैच में गोल करेगी, रूबेन नवेज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए पिक किया, मोतिन हा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन्हें भी टीम में ट्राई करें। रोमन से अच्छा परफॉर्मेंस है इसको भी इसलिए ट्राई करें। लेकिन ये अभी के लिए टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते होना। इतने के लिए टेक केयर एंड।